नेक्स्ट वन इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए 1, 2, 3 एंड बी 2, 4, 6 इज. अब हमने बताया था कि यूनिवर्सल वो सेट होते हैं जिसमें से बाकी दोनों सेट्स बने हों. ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में सेट ए के भी एलिमेंट्स होंगे, सेट बी के भी एलिमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, 4. तभी तो वो सेट ए भी यू में से बनेगा, यूनिवर्सल सेट में से बनेगा, सेट बी भी यूनिवर्सल सेट में से बनेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज 100, 200, 400 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 1, 2, 3. देखो ये काउंटिंग कॉन्टिन्यू है, तो जब ये कॉन्टिन्यू है तो इसमें 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, 400 भी आएगा. इसका मतलब है 100, 200, 400 इस सेट में से बने और इस सेट के प्रॉपर सबसेट हैं. नाउ 12, 24 इज ऑल्सो अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 2, 4, 6. आगे ये कॉन्टिन्यू है, 2, 4, 6 इवन नंबर है, तो इवन नंबर में आगे फिर 12 भी आएगा और 24 भी आएगा. तो इसका मतलब है 12 और 24 इस सेट में से बने, इस सेट के प्रॉपर सबसेट हैं. 10 डज नॉट बिलोंग टू, ये देखिए 1, 3, 5 ये ओड नंबर है, 5 के बाद 7 आता है, 9 आता है, 11 आता है, 10 नहीं आता. तो इसका मतलब है 10 इस सेट से बिलोंग नहीं करता. 1, 2, 3 अब देखो ये भरा सेट है, यहाँ पे भरा सेट बाद में था, ठीक है. अब ये भरा सेट है, ठीक है, और 8, 10 जब ये काउंटिंग कॉन्टिन्यू है तो इसमें आगे 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, 12 भी आएगा. तो इसका मतलब है ये जो भरा सेट है ये इस सेट का सुपर सेट है, ठीक है, ये सुपर सेट का सिंबल है. क्लियर है, ठीक है, ये इस सेट का सबसेट है और ये इस सेट का सुपर सेट है. नाउ नेक्स्ट वन 1, 3, 5, 3, 5, 1 दोनों सेट आपस में इक्वल हैं. कसूर, लाहौर, मुल्तान पाकिस्तान की सिटीज हैं, तो पाकिस्तान की सिटीज के सेट में से बनेंगे, इसलिए ये इसके प्रॉपर सबसेट है. नाउ ए एंड बी वोवल्स के इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि वोवल्स में क्या होता है, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू.